नमस्कार दोस्तों दोस्तों बात करते हैं आज की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की 50 बड़ी खबरें, क्योंकि हर एक खबर चुन चुन कर आई है। सारी खबरों को विस्तार से जानेंगे और जानेंगे कुछ बड़े फैसले, बड़े ऐलान। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। योगी सरकार ने यूपी के 15 शहरों में सस्ते में भोजन का किया इंतजाम, निजी बैंक से हुआ करार। जी आप सबको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि शहरों में कम से कम कीमत पर जरूरतमंद लोगों का पेट भर सके। जी हां, प्रदेश के 15 शहरों में 25 शक्ति रसोई खोली जाएंगी। जी हां, देश के 15 शहरों में 25 शक्ति रसोई खोलने की दिशा में नगर विकास विभाग ने कदम और बढ़ा दिया है। जैसे आप सबको पता है, राजस्थान के अंदर अन्नपूर्णा रसोई थी, वैसे ही अब देखा जाए तो आदित्य योगीनाथ ने भी कोशिश की है। जी हां, शक्ति रसोई नाम से अब लोगों को खाना उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। इस नेशनल हाईवे पर कल ट्रैक्टरों के साथ किसानों का बड़ा जमावड़ा, यात्रा से बचने की सलाह। जी आप सबको बता दें, दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे पर कल किसानों का बड़ा जमावड़ा होने जा रहा है। 2 दर्जन स्थानों पर ट्रैक्टर खड़ा कर WTO का पुतला दहन करेंगे। सुबह 11 बजे दिल्ली की तरफ मुंह कर ट्रैक्टर खड़ा करने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार आई तो 1 मिनट में MSP लागू करेंगे, जाटों की बेल्ट पश्चिमी यूपी पहुंचे राहुल गांधी का ऐलान। जी आप सबको बता दें, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए निकले हैं और रविवार को उन्होंने पश्चिमी यूपी के अंदर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार इस बार आ गई ना तो 1 मिनट में MSP को लागू कर देंगे। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव का पहली बार साथ भी मिला है। बाकी आपको क्या लगता है, ऐसा हो पाएगा या नहीं, कमेंट्स में मुझे जरूर से बता सकते हो। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। जनरल डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, कम हो जाएगा किराया। जी हां, जनरल डिब्बों में छोटी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। अब जल्द ही अनारक्षित रेलवे स्टेशन में अगर आप ट्रेनों में किराया देते हैं तो पैसेंजर ट्रेनों का जो किराया है वो बहुत कम कर दिया गया है और इसका फायदा आपको काफी मिलेगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं। जी हां, जनरल क्लास में छोटी दूरी की अगर यात्रा करते थे तो उनके लिए अब फायदा ये मिल जाएगा कि अनारक्षित जो स्पेशल ट्रेनें होती हैं, पैसेंजर ट्रेनें, उनमें कोविड से पहले जो न्यूनतम किराया था वो 10 रुपए हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर आप अपने छोटे छोटे रेलवे स्टेशन पर अगर मतलब सफर करते हैं छोटी दूरी की यात्राओं के लिए, तो कोविड से पहले जिस समय जो किराया था वो 10-10 रुपए था, लेकिन अभी वो बढ़कर 30 रुपए हो गया था। लेकिन हाँ, वापस से अब जल्द ही एप्लीकेशन पर तो उनके 10 रुपए दिखा रहा है। अब जहां पर टिकट आप लेते थे जहां पर रेलवे स्टेशन पर जाकर, तो वहां पर भी वो किराया जल्द ही 10 रुपए न्यूनतम कर दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम योगी ने अफसरों को दी चेतावनी, ऐसा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। जी हां, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि समय से कार्यालय पहुंचे, समय से कार्यों को पूरा करें, किसी भी फाइल को पेंडिंग न छोड़ें। टालम टोल के कारण कार्य का ढेर जमा हो जाता है, तो ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करनी, हर काम को समय पे करना है। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम मोदी की काशी में एक टिकट पर सभी प्रमुख मंदिरों और गंगा घाट का भ्रमण, AC बस से सुबह से शाम तक घूमने की सुविधा। जी आपको बता दें, पीएम मोदी की काशी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए ई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इसमें एक टिकट लेकर काशी विश्वनाथ, काल भैरव, सारनाथ समेत सभी प्रमुख स्थलों पर आप भ्रमण कर सकेंगे। वाकई में एक चीज तो बहुत ही अच्छी है कि एक जगह बैठो, सारे जितने भी दर्शन करके आने हैं अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। NCR की तर्ज पर बनेगा SCR का प्लान, सीएम योगी ने देखा प्रेजेंटेशन, ऐसा होगा 2031 का मास्टर प्लान। जी आपको बता दूं, 2031 का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर वाराणसी को केंद्र में रखते हुए सीमावर्ती जिलों को जोड़कर एक रीजनल डेवलपमेंट प्लान तैयार करें। और इस प्लान से सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं, रामनगर, वाराणसी, मुरादाबाद, हापुड़, रायबरेली, बरेली और लखनऊ की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण देखा गया है। तो वाकई में अच्छी चीजें हैं इन जगहों पर, इन शहरों में और अच्छे चीजें और प्रगति के काम देखने को मिलेंगे। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी पुलिस से सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में आरोपियों पर होगा बुलडोजर एक्शन, सॉल्वर गैंग रडार पर। जी हां, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर में जिन्होंने भी बड़ी चीजों को ओल झोल किया या फिर पेपर को लीक किया, उसके लिए देखते हुए जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिस आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई भी कर सकती है। यानी आप सबको पता है कि कुछ गलत करेगा तो यूपी के अंदर बुलडोजर तो चलना ही चलना है। चलिए उसी के बाद बात कर लेते हैं आज यूपी के बड़े, चलिए अब इसी के बाद बात कर लेते हैं मौसम के बारे में, यूपी के वेदर अपडेट के बारे में। बस कुछ दिन और सर्दी, फिर सताएगी गर्मी, जाने मौसम विभाग के भविष्यवाणी। जी हां, यूपी में बस कुछ दिन की और रह गई है सर्दी और इसके बाद फिर से गर्मी वाला मौसम आ जाएगा। जी हां, मौसम धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, दिन के साथ रात के तापमान भी बढ़ने लग जाएंगे। और हाँ, मौसम अगर गर्मियों का आ जाएगा तो फिर तो कूलर AC चलने ही चलने वाले हैं। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिना ड्राइवर चलेगी गाड़ी, क्या भारत में आ रही है
ड्राइवरलेस कार जी हाँ सामने आई है, एक टेस्टिंग की तस्वीर। जी हाँ, वो आपको बता दें कि AI के कारण काफी सारी चीजें देखने को मिल रही है। हमेशा टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे विषयों को सपोर्ट करने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग नितिन गडकरी भी ड्राइवरलेस कारों के खिलाफ रह चुके हैं। लेकिन इसी बीच पुणे में एक टोयोटा RAV4 कार LIDAR लिडार सिस्टम के सपोर्ट पर किया गया है, जिसे लेकर संभावना जताई जा रही है कि सेल्फ ड्राइविंग कारों की टेस्टिंग हो रही है। बाकी तो समय आने पे पता चलेगा कि यहाँ पे होगी या नहीं होगी, लेकिन एक बात तो अगर ये चीज़ें देखने को मिली तो बहुत से लोगों की नौकरी चली जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे ड्राइविंग से भी कर अपना पेट चलाते हैं, और वो खत्म हो जाएगा तो आपको पता है लोगों के पास नौकरियाँ ही खत्म हो जाएंगी। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अब स्विगी करेगा ट्रेन में डिलीवरी। जी हाँ, IRCTC के साथ हुई पार्टनरशिप, सीट पर बैठे बिठाए मिल जाएगा आपको मनपसंद खाना। जी आपको बता दें, जल्दी ट्रेन के लिए आप अगर कोई ऑर्डर बुक करते हैं, जैसे घर पे तो पहुंच जाता था, लेकिन अगर आप अभी ट्रेन के अंदर अगर सफर करते हैं तो वहां पे भी आपको खाना मिल जाएगा। जी हाँ, इसके लिए IRCTC के साथ पार्टनरशिप की है स्विगी ने, और अगर आप अपना खाना मंगवाना चाहते हैं तो IRCTC के ई कैटरिंग पोर्टल पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां से अपना ऑर्डर। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 7 लोगों की मौत। जी हाँ, आप सबको बता दें, यूपी के कौशाम्बी की एक पटाखा फैक्ट्री के अंदर विस्फोट और उसके अंदर 7 लोगों की मौत हो गई। और सबसे बड़ी बात, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया कि एक के बाद एक धमकों से पूरा का पूरा इलाका थर्रा गया। हाल ही में इससे पहले भी मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से पटाखा फैक्ट्री में बहुत बड़ा हादसा हो गया था। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। पाप करने वाले न घर के रहेंगे न घाट के, सिपाही भर्ती पेपर लीक करने वालों को CM योगी की खुली चेतावनी। जी हां, पुलिस भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र को लीक करने के मामले में CM योगी ने युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ करने वालों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा है, ऐसा करना राष्ट्रीय पाप है, और इसके लिए वो पूरा का पूरा, पता है आपको, ऐसी चीजें अगर कोई करता है तो आदित्य योगीनाथ कभी भी नहीं चाहते युवाओं का कुछ बुरा हो, इसलिए वो कुछ ना कुछ इस पर बड़ा एक्शन लेंगे। और हाँ, ये पेपर भी दोबारा होगा, 6 महीने बाद इसकी परीक्षा होने वाली है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में बिजली विभाग के घर घर अभियान का रोड मैप तैयार, 1 मार्च को यहाँ से होगा शुभारंभ। जी आप सबको बता दें, यूपी में बिजली विभाग का घर घर अभियान पूर्वांचल से शुरू होगा। 1 मार्च से अधिकारी और कर्मचारी अपने काम में लग जाएंगे, और इसके लिए यूपी पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने तैयारियां पूरी कर ली है। तो इसके लिए नई नई चीजें होने वाली हैं, और इसके लिए आपके जो घर के मीटर होते हैं वो भी शायद चेंज हो जाएंगे। और आपको साथ ही साथ बता देता हूँ, पूर्वांचल में 1 मार्च से घर घर 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड में भी लागू होगा यूपी CM योगी वाला कानून, दंगा करने वालों को चुकानी पड़ेगी कीमत। जी हां, उत्तराखंड सरकार विरोध प्रदर्शन के नाम पर सरकारी व निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले उपद्रवियों पर लगाम कसने जा रही है, और इसके लिए बजट सत्र में सख्त कानून का विधेयक लाया जा रहा है। हो सकता है जिस प्रकार से आदित्य योगीनाथ निर्णय लेते हैं बुलडोजर का, वैसे कुछ निर्णय लिया जाएगा, वो तो बाकी आने वाले समय में पता चलने वाला है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर। उत्तर पुस्तिका के साथ खिलवाड़ अगर करता है कोई परीक्षार्थी तो पड़ेगा बहुत भारी, दर्ज होगी उस पर FIR। जी हां, यूपी बोर्ड परीक्षा में अगर उत्तर पुस्तिका को लेकर कोई फाड़ देता है या फिर किसी प्रकार की कोई भी गलती करता है तो उसके लिए FIR दर्ज कराई जाएगी। जी हां, आगरा के जिला विद्यालय निरीक्षक द्वितीय ने ऐसे परीक्षार्थियों पर FIR दर्ज कराने की बात कही है। चलिए उसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। राम मंदिर से स्पेशल खबर आ रही है। प्लेन से आता है रामलला के खास डिजाइन वाला परिधान, हर दिन के ड्रेस में बदल जाती है फैब्रिक। जी आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का परिधान डिजाइनरी मनीष त्रिपाठी बना रहे हैं, और साथ ही हर दिन CISF की मदद से ये परिधान दिल्ली से अयोध्या भेजा जा रहा है। चलिए बात करते हैं सबसे बड़ी खबर। PM मोदी आज करेंगे एम्स का वर्चुअली उद्घाटन, इमरजेंसी के साथ ट्रामा सेंटर की आपातकालीन सुविधाओं को भी मिलेगा लाभ। जी आपको बता दें, PM नरेंद्र मोदी रविवार में राजकोट से 5 नए एम्स के वर्चुअली जितने भी चीजें हैं उन सबका वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उद्घाटन करेंगे। इसमें रायबरेली एम्स भी शामिल है। इस कार्यक्रम को लेकर एम्स की ओर से भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। चलिए इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर, जो रेल यात्रियों के लिए, जैसे मैं आपको कवर कर ही चुका हूं इससे पहले भी, कि अभी जो रेलवे के अंदर सफर कर रहे थे उनके लिए खुशखबरी है। ट्रेनों में कम हो जाएगा किराया, 50 किलोमीटर के लिए देने होंगे सिर्फ केवल 10 रुपए, और वाकई में अच्छी चीज है। जब किराया कम हो जाएगा तो हर कोई रेलवे से सफर आसानी से कर पाएगा। चलिए इसी के बाद बात करते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के शहर में दौड़ेगी लाइट मेट्रो, अफसरों के प्रेजेंटेशन पर CM योगी ने लगाई है गुहार। जी हां, आने वाले समय के अंदर एक बहुत अच्छी चीज देखने को मिल रही है। जी हां, बरेली विकास प्राधिकरण BDA की महायोजना 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रजामंदी दे दी है। नाथ नगरी के नए सिरे से विकसित करने की रूपरेखा को तैयार किया जा रहा है। सबसे बड़ी चीज, लाइट मेट्रो के संचालन की भी उम्मीद बढ़ गई है। महायोजना 2021 के तहत शहर में जल्द ही लाइट मेट्रो
दौड़ाई जाएगी। तो ये थी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश यूपी की काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी हर एक कमेंट मैं पढ़ने वाला हूं, क्योंकि बहुत ही कीमती कमेंट होता है आपका। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।